नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सब कुछ मिलेगा स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम बताने जा रहे हैं आपको भी आर्मी पर्सन को अगर ITR फाइल करना है तो फॉर्म 16 की मदद से कैसे करें, आपको डेमो के साथ बताएंगे दोस्तों। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखिएगा तभी आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी, नहीं तो आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल क्रोम खोल लेना है, यहाँ पे हमने ई फाइलिंग सर्च कर लेना है। तो देखिए हमने ई फाइलिंग सर्च करना शुरू कर दिया और यहाँ पे ई फाइलिंग का होम पेज खुल रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना, पहले लॉगिन पे क्लिक कर लो। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल गई, जैसे मेरा ऑलरेडी डिटेल भर रखी है मैंने यहाँ पे, तो जैसे आपने अपना पैन कार्ड भर लेना है, यहाँ पर पासवर्ड भर लेना है, उसके बाद आपने ये कैप्चा कोड लगा लेना है। कैप्चा कोड लगाने के बाद आपने नीचे, अब मैं लगा लेता हूँ, देखिए कैप्चा कोड ये बिल्कुल ध्यान से भरना है। इसके बाद हम लॉगिन पे लॉगिन क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा होम पेज खुल गया है, मेरा इंटरफेस ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद हमने माई अकाउंट में चले जाना है, यहाँ पे हम 26AS फार्म भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे हमारी पूरी डिटेल मिल जाती है कितना हमारा टैक्स कटा है। और यहाँ पे हमने ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, आपको थोड़ा जल्दी भरने में पता चल जाएगा। दोबारा से खोल देता हूँ, यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दिया और नीचे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्राफ्ट बना के रखा हुआ आपके लिए देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाते हैं, आप आधार कार्ड से भी वेरीफाई हो सकता है और अगर आपका EBC ऑलरेडी एक्टिवेट है उसके साथ भी। अभी हम आधार कार्ड के साथ मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं आधार कार्ड से वेरीफाई करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड के अपने EBC के थ्रू करना चाहते हो माई अकाउंट के थ्रू, तो आप EBC पे क्लिक कर देना। और अगर आप बाई पोस्ट करना चाहते हो जहाँ ITR4 के जो थ्रू जो अपना क्रॉस्पॉन्डेंस के थ्रू बेंगलोर भेज के करना चाहते हो तो नीचे वाले में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमने अगर हिंदी में करना चाहते हो तो इसमें क्लिक कर लेना है। अभी हम हिंदी नहीं कर रहे तो हम सीधा कंटिन्यू पर कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो टैक्स का वेबसाइट खुल चुका है, जो जो हमारा टैक्स का जो फार्म है, जैसे मैंने ITR फाइल किया उसकी पूरी डिटेल अभी आपके सामने शो करेगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ सकते हो और ड्राफ्ट को सेव करते रहना बीच बीच में। तो ये 15 मिनट तक का टाइम होता है दोस्तों, इसके 15 मिनट से पहले पहले आपने सेव करना है, जैसे आपका लिखा आएगा ड्राफ्ट सक्सेसफुली सेव्ड। तो चलिए हमारा जो पार्ट ए है जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें हमने अपने पैन कार्ड आधार कार्ड और अपना जो नाम वगैरह है उसमें आपने भर देना है। और इसके बाद जो डिटेल आपको दिखाई देगी आपको मैं एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए सैलरी का ऑप्शन आ गया है, जो आपकी टोटल सैलरी है उसके हिसाब से हमने मैंने सैलरी भर रखी है ऑलरेडी यहाँ पे, और फार्म 16 से मैंने भर रखी है। देख के ये जितनी टोटल इनकम है साल की, एक साल की है, जो वहाँ पे फार्म 16 पे भी हमको आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फार्म 16 पे फार्म 16 ग्रॉस सैलरी जो मेरी दिखा रहा है 4,70,665, और 8 नंबर कॉलम में ग्रॉस टोटल इनकम, 6 और 7 कॉलम का जो टोटल है 469,465, ये वाला जो अमाउंट है हमने वहाँ पे यह मैंने भर रखा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आपने भी सेम टू सेम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम चार्जेबल, देखिए हमने बाकी के कॉलम ज़्यादा हमारे कोई एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने 0,0 हमारे कर रखा ऑलरेडी, अपने अपने आप हम अब 0,0 आ जाएगा, नहीं भी करने की जरूरत नहीं, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने सीधा भी देखिए वही वाली इनकम हमारी नीचे शो कर रहा है जहाँ पे कॉलम 6 में, ये वाली 469,465, 4,69,465। यहाँ पे मैं देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड हूँ तो सेल्फ ऑक्यूपाइड लिख देता हूँ। अगर आपका घर की बात है, अगर घर आप लिविंग आउट ले रहे हो तो आप बाहर रह रहे हो तो बाहर लिख सकते हो, किराए पे रह रहे हो तो अगर आपके पास खुद का घर था वो वैसा लिख दो आप। तो इसके बिना उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया जो भी आपको ऑप्शन लागू है, जो ग्रॉस नेट रेंट रिसीव, अगर आपने घर का मकान का किराया लिया तो वो भर देना है, अगर आपको लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स पे किया तो यहाँ पे वो भर देना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे आपको कॉलम में आपको ले चलते हैं, यहाँ पे देखिए B3 कॉलम है, जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स
हमारी कोई अगर ब्याज वगैरह की आ रहा, इंटरेस्ट आ रहा किसी चीज़ का दोस्तों, तो हमने यहाँ पे भर देना। देखिए जहाँ पे मैंने मेरे को एफडी करा रखी है मैंने, तो मेरे को उसके ऊपर 4,000 सॉरी 48,000 के आसपास हमारे को जो इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, जो भी TDS इसके ऊपर कटता है। यहाँ पे TDS 2 शो कर रहा है, आपको उधर भी दिखाएंगे बाद में। यहाँ पे TDS 2 दिखाया जाएगा, यहाँ पे कुछ जहाँ पे हमारा TDS 1 होता है जो सैलरी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर होता है उसका टैक्स काटा हुआ, नीचे TDS 2 आएगा जो हमारा बैंक काट रहा है। ये देखिए यहाँ पे TDS 2 है, ये दोनों क्लिक करने हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा इतना ब्याज काटा है TDS 2 ने, TDS 2 का मतलब बैंक वालों ने जो मेरा काटा ब्याज के ऊपर इनकम के ऊपर, वो हमने यहाँ पे वही सेम कॉलम यहाँ पे हमने भर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने B3 कॉलम में वहाँ पे उतना ही भर दिया जितना मेरा ब्याज उन्होंने काटा था, ब्याज आया था जितना मेरे को इनकम आई थी, तो वो यहाँ पे मैंने भर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये टोटल जो ग्रॉस इनकम है, नीचे आप देख पा रहे हैं B4 में B1 B2 प्लस B3 का टोटल मेरा इतना हो रहा है 5,17,000। तो दोस्तों यहाँ पे इस पर समथिंग यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है टोटल जोड़ अपने आप कर देगा। ATC के अंडर जो आपने LIC वगैरह जो आपका फंड कट रहा है, जो आप कोई सेविंग कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे मैक्सिमम है जो 1.5 लाख तक की है। तो मेरी जो जितनी बन रही थी मैंने यहाँ पे लिख दी है, मगर आप राइट साइड में देखो तो यहाँ पर 1.5 लाख तक का आपको छूट उसमें मिल रहा है। तो अभी मेरे यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे सेक्शन 80C के अंडर मेरे को यहाँ 1,09,080 रुपये मेरा जो सेविंग हो रहा है, मगर वहाँ पे आप 1.5 लाख तक की मैक्सिमम सेविंग दिखा सकते हो LIC वगैरह की। इसको हम सेव कर देते हैं ड्राफ्ट को, 15 मिनट हमारे द्वारा से स्टार्ट हो गए हैं, फिर नीचे आपको दिखा देते हैं दोस्तों, नीचे ले चलते हैं। अब ये देख पा रहे होंगे जैसे ATC के अंडर हमने 1,55,000 तो 618 रुपये जो मैंने भर रखे हैं, यहाँ पे आगे आपको हमारे को 1.5 लाख की सेविंग उसमें से हमारे को जो है सिस्टम कैलकुलेट करके बता रहा है हमारे को 1.5 लाख रुपये की मैक्सिमम हमारे को जो छूट है टैक्स के अंडर। और यहाँ पे CACD के अंडर जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपकी स्कीम आपने पेंशन स्कीम है दोस्तों कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके यहाँ पे भर सकते हैं आप CCD के अंडर। और आप यहाँ पे कॉलम पढ़ के अगर आपको यहाँ पे कोई लग रहा है एप्लीकेबल है, यहाँ पे आर्मी पर्सन को ये कोई भी कॉलम एप्लीकेबल नहीं है, तो हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद हमने देखिए ATDDB के अंडर सीनियर सिटीजन और सेल्फ डिपेंडेंट का मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे अपना मैंने पेरेंट्स का करवाया है, उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, कोई आपके पास बिल वगैरह है तो आप वहाँ पे भर सकते हैं, इसके ऊपर भी छूट मिलता है। मैंने 19,500 का कराया तो यहाँ मैंने 19,500 भर दिया है, और इसी मेरे टैक्स वाली इनकम मेरे को वहाँ से इसमें से डिटेक्ट हो जाएगा। सो इसमें से मेरे को जितना रिफंड और मेरे को ज़्यादा रिफंड मिलेगा, तो यहाँ पे टोटल मिला के हमारे को देखिए दोस्तों 19,500 मैंने यहाँ भर दिया, और मैं अगर 19,500 हटा देता हूँ तो केवल 1.5 लाख रुपये मेरे को छूट मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे 19,500 रुपये डाल देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को देखिए यहाँ 1,69,500 रुपये पे जो मेरे को टैक्स के ऊपर और छूट मिल रही है, यानी कि 1.5 लाख के बाहर चली गई है। तो मैंने देखी यहाँ पे दोस्तों जो मैंने टैक्स जो टोटल इनकम के ऊपर मैंने जो टैक्स पेएबल इतना है दोस्तों, और रिबेट 87 के अंडर 2,500 रुपये है, टैक्स आफ्टर रिबेट इतना है दोस्तों, और सेसा जो D3 के ऊपर 73 रुपये है दोस्तों, टैक्स D और 3 मिला के 2,496 रुपये बन गए हैं दोनों को मिलाने के बाद, और बैलेंस टैक्स आफ्टर ये 5 D5 और D6 का इतना बन गया टोटल मिलाने के बाद, और टोटल टैक्स है जो दोस्तों ये D5 7 8 9 को मिला के इतना बन गया नीचे। अभी हम टैक्स डिटेल में चले जाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे हमारा जो सैलरी एम्प्लॉय ने इतना काटा है 56,087 रुपये। तो आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं, यहाँ पे 16 नंबर फार्म में देख लीजिए 5,5687 रुपये मेरा सालाना काटा, तो यहाँ पे मेरा मैंने ऑलरेडी मेरा वो दिखा रहा है शो कर रहा देख रहे हैं। और यहाँ पे क्लिक कर देना हमने फर्स्ट TDS वाले पे, और यहाँ पे दूसरे पे भी क्लिक कर रखा है, ये मेरा बैंक ने मेरा इतना मेरे को ब्याज दिया है और उसके ऊपर मेरा इतना टैक्स ऑलरेडी काट रखा है, और ये अपने आप शो कर रहा दोस्तों। इसके बाद हमने क्या करना, नेक्स्ट पे चले जाना है, नेक्स्ट क्लिक कर लेना एरो मार्क के ऊपर। यहाँ पे हमने अपना क्या है ये देखिए दिखा रहा है, 10,555 हमने जो टैक्स पे किया वो दिखा रहा है D12 कॉलम में, तो इसके अंदर जो चारों को मिलाने के बाद मेरा इतना बन रहा है दोस्तों, और जीरो मेरा अमाउंट पेएबल 0 है, मैंने को ऑलरेडी पेयर कर रखा है,
और मेरा रिफ़ंड जो बनता दोस्तों वो नीचे देख लीजिए, यहाँ पे इसको काटने के बाद 8,060 रुपये मेरा जो रिफ़ंड बन रहा है, रिफ़ंड D12 माइनस D11, F D12 बड़ा है D11 से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा जो इतनी मेरे को उसमें से माइनस करने के बाद इतना मेरा रिफ़ंड बन रहा है, और नीचे हमने क्या करना, अपनी बैंक डिटेल भर देनी है, बैंक डिटेल भर देनी नीचे दोस्तों हमने। यहाँ पे देखिए SBI कोड लगा दिया हमने बैंक का, और यहाँ पे बैंक का नेम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया यहाँ पे, और इसके बाद हमने क्या करना है अपना, मैंने अपना देखिए यहाँ पे नाम नंबर भर दिया, और सेल्फ करके यहाँ पे मैं इसके ई वेरीफाई कर दूंगा दोस्तों। आप भी अपना ई वेरीफाई कर सकते हो, जहाँ इसका प्रिंट लेने के बाद आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपका मोबाइल साथ नंबर लिंक है तो आप ई वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैं प्रीव्यू एंड सबमिट कर देता हूँ दोस्तों आपके सामने, देखिए यहाँ पे एक बार फिर दिखाएगा, अभी आपकी ये पूरी डिटेल दिखाएगा शुरू से लेके एंड तक जो आपने फिल किया है, और आपको इसको क्लिक करने के बाद PDF फाइल में प्रीव्यू करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमने क्लिक कर लिया, डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको डाउनलोड करके उसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड ओपन हो रही है फाइल, थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ देखिए ये खुल गया मेरा ITR 1 सहज इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न का, मेरी पूरी डिटेल है जो इसमें शो कर रहा है, भी आपने इतना क्या है, घर का एड्रेस है, जो भी सारी डिटेल इसके अंदर पूरी की पूरी हमारी इसके अंदर आ रही है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। वैसे ये कॉन्फिडेंशियल गुप्त होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओपन करने वाली चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे दोस्तों आप भी चेक करेंगे, वहाँ पे हमने भरा था जैसे टैक्स टोटल डिडक्शन कितना दिखाया था, देखिए यहाँ पे ये आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ 1,69,500 के आसपास हमने भर दिया, इसमें जो भरा था इसमें शो कर रहा है। यही चीज़ हमारी जो डिटेल हमने भरी है इसमें आप वेरीफाई करो भी, हमने जो भरी है इसमें कोई गलत तो नहीं भरा है, आपको सही लग रहा है, ये चेक करना दोस्तों अपने आप की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो आपको नोटिस आ जाएगा। ये बीच में दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है, अब इसको आप स्किप कर देना थोड़ा टाइम के लिए, इंटरनेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी नेटवर्क की आ गई है, थोड़ा सा बीच में आपने स्किप कर देना है। तो आप जो जहाँ जहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, इस वीडियो को आगे कर लें, क्योंकि मेरे पास वीडियो कटर नहीं है इसलिए मैं वीडियो को काट नहीं रहा, मैं दोबारा से लॉग इन कर रहा हूँ। दोबारा से लॉग इन करके फिर मेरे को वहीं पे जाना है इसका फाइल को फाइनल करने के लिए, ITR को। दोबारा से मैं इनकम टैक्स रिटर्न खोल लेता हूँ, दोबारा से फिर से ड्राफ्ट खोल लेता हूँ, आधार पे ODP पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर वही जो हमारी सारी डिटेल हमारी सब सही भर दी थी, अब इसको दोस्तों फाइनलाइज करके मैंने ऑनलाइन ई वेरीफाई कर देता हूँ आपके सामने, मैं कैसे करता हूँ देख लेना आपने। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 2-3 मिनट और लगेंगे, इससे होगा कि आप अच्छी तरह, आपको पता चल जाएगा, आपको कोई भी शक नहीं रहेगा कैसे ई वेरीफाई होता है, क्योंकि ये बहुत कम वीडियो में होता है, लोगों को जो वीडियो बना के दिखा डेमो का बना के दिखाते हैं, मैं देखिए यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल, और ई वेरीफाई हो जाएगा, आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं, बैंगलोर या इनकम टैक्स को आपको कोई भी फाइल भेजने की जरूरत नहीं, कोई प्रिंट निकाल के भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने ई वेरीफाई कर देना है ऑनलाइन। ये मैं दोबारा से एक बार फिर इसको सेव कर दिया था दोबारा देखने के लिए, तो अभी इसको हम सबमिट कर देंगे 1-1.5 मिनट में, आपको एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि मेरा भी ये फाइनल भर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों अच्छी तरह देख लोगे आपको तो ये आपके फ़ायदे के लिए, आप सोच रहे होंगे भी ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा, तो आप अपनी उसमें मिस्टेक कर लोगे, क्योंकि जो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी फाइनल है तो मैं इसकी मिस्टेक नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, तो आपने फाइनल कर लेना, इसके थोड़ा सा आगे स्किप करके वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने शेयर लाइक का बटन जरूर दबा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, हम वैसे ही बता देंगे। ये तो मैं साथ ही साथ चेक भी कर रहा हूँ, आपको साथ ही साथ गाइड भी कर रहा हूँ, लाइक करने से दोस्तों हमारे को खुशी मिलती है, और आपको देखिए इजी हम मेथड मिलता है, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, अभी मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबमिट बटन दबा दिया मैंने,
और यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए मैं आई है ऑलरेडी मेरे पास ओटीपी, अगर आपके पास पहले से है तो आप ओटीपी के उस पर क्लिक कर दो। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू जनरेट आधार ओटीपी नो, तो मैं अभी आधार को ओटीपी जनरेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जो मेरा मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा दोस्तों। देखिए अभी मैंने इसका प्रेस कर दिया है और हमने यहाँ पे मेरा मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसको मैंने ओटीपी भरना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना, और मेरा ये फाइल हो जाएगा, बिल्कुल वही वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा जो इसके अंदर फॉर्म एक्नॉलेजमेंट के अंदर पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए मेरे पास ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी भर देता हूँ। ओटीपी भर दिए, देखो सबमिट कर दिए दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैसेज आ गया, रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। मैंने ई वेरीफाइड कर चुका है और मैं अपनी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे को प्रॉपर यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे भी मिल, इसका आईडी भी मिल गया। देखिए दोस्तों रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है आप ऐसे आप कर सकते हो, और इसके बाद आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हो इसकी एक्नॉलेजमेंट। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और आपका देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।